बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमरा एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ट्विल टूल के मुताबिक होगी, लेकिन वो दो जो चैनल पर नए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल के मुताबिक भी हम पढ़ चुके हैं, शेप टूल, स्मज ब्रश, रफन ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, स्मीर टूल के मुतालिक भी हम पढ़ चुके। आज की जो हमारी क्लास है वो ट्विर टूल के मुतालिक है। ट्विर टूल बेसिकली क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ये घुमाता है। प्रैक्टिकली करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं, ये रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल, यहाँ पर हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, हमने इसमें कलर फिल कर लिया। अब आती हूँ अपनी ऑब्जेक्ट की तरफ, ट्विर। ये हमारे पास यहाँ है प्रॉपर्टी बॉक्स में, यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज खुल जाती है। यहाँ से आप ब्रश के साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते, यहाँ से भी आप ब्रश के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर शिफ्ट लेफ्ट की मदद से भी आप इसको कम या ज्यादा कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है प्रॉपर्टी में वो है प्रेशर। प्रेशर को डिनोट करता है कि कितनी प्रेशर के साथ ये इसको ट्विर करेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 50 सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने ब्रश को, जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये ट्विर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं ट्विर सिलेक्ट करती हूँ, तब आप देख सकते हैं ये किस तरह से ट्विर कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये, अगर हम यहाँ से इसकी प्रेशर को बढ़ा लें 100 पे कर दें, ये आप देख सकते कितनी तेजी के साथ इसने ये इसको ट्विर्ल कर लिया, यानी राउंड शेप में इसने इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से आप कर सकते बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये आपने देख लिया किस तरह से हमने इसको ट्विस्ट कर लिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ और इसके साइज को मैंने किया थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से मैं इसके साइज को बढ़ा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेती हूँ, एजुकेशन आ गई, ये मैंने लिखा है। यहाँ से मैं इसको बढ़ा लेती हूँ, यहाँ से मैं अरेंज कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट किया। मैं आती हूँ अपनी यहाँ पर फिर टूल पे, यहाँ से हम इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ताकि नजर आ जाए। अब मैं आती हूँ अपनी टूल की तरफ, ट्विर टूल, इसके साइज को मैं छोटा कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से हम इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरा मकसद यहाँ पर आपको टूल समझाना था, तो आप लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।